सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का ये आपका नया सेशन जिसमें हम लोग बात करेंगे आज डे फोर की, जिसमें बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस की। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको 91 सेंटेंस का करा दिया था, हम लोग बात करेंगे 91 से आगे के सेंटेंसेस की। यस, चलिए गाइस शुरू करेंगे अपनी कहानी को। यहाँ हम लोग सेंटेंस नंबर 91 से आगे के सेंटेंस के साथ में 92 सेंटेंस आपको चलना है बच्चों। आज कह रहे हैं कि लर्निंग इंक्लूड डिस्कवरी इनसाइट अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज एक्यूमेशन एक्यूमुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। यस, यहाँ पर आपका आया है लर्निंग। लर्निंग यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यस गाइस, अब जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ रही है वो भी विदाउट हेल्पिंग वर्ब तो समझ जाओ कि यह आपका जीरंड है। और जब ये जीरंड की तरह काम कर रहा हो तो ये सिंगुलर है, इसके साथ सिंगुलर ही वर्ब आनी चाहिए। जबकि दी गई वर्ब हमारी प्लूरल है, इंक्लूड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, यहाँ पर इंक्लूड नहीं इंक्लूड्स होना चाहिए था। यस, सो अब ऑप्शन के चले तो बच्चों हैड इंक्लूड क्या सही हो सकता है? जी नहीं, क्योंकि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी जो कि नहीं है। यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी जो कि नहीं है, तो मजबूरन आपका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। वी प्रोटेस्टेड दैट वी वॉज गोइंग ऑल द वे। गाइस, यहाँ पर वी प्रोटेस्टेड वी वॉज, वी के साथ में वॉज कभी नहीं आया करता है। वी के साथ अगर हमें लगाना भी हो कभी तो वर आया करता है बच्चों, वी वर। यस, प्लूरल में। अब बच्चों यहाँ पर वर है, वी के साथ इस तो आने से रहा, वी के साथ वर अगर आ जाएगा तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म आने से रही, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकंड ही करेक्ट। यस, चलिए आगे बढ़ेंगे गाइस। यहाँ से सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर, ही हैज़ टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस सो लीव हिम अलोन। ही हैज़ टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसे अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ा। तो गाइस यहाँ देख रहे हैं हम लोग सेंटेंस में क्या नजर आ रही है। गाइस सेंटेंस में उसने हैज़ टू का इस्तेमाल किया है, मैंने आपको ये बात पहले बताई थी। जब भी किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ में हम लोग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो इसको बोलते हैं गाइस कंपल्सन रूल। यानी कि जब कोई काम आपको ना चाहते हुए भी करना पड़ा हो, मजबूरन करना पड़ा हो, तो ही हैज़ टू डेवलप, उसे डेवलप करना पड़ता है या डेवलप करना पड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस सो लीव हिम अलोन। यस, तो गैस उसे अकेला छोड़ दो। यहाँ सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है अगर देखा जाए तो, क्योंकि ही के साथ में हैव तो आने से रहा इसलिए ये रॉन्ग हो गया है, आर आने से रहा, हैज आ सकता है लेकिन टू के बाद थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती, फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा ये नो इम्प्रूवमेंट। द म्यूजिक सूथ मी एंड आई स्ट्रोल ऑन हैप्पीली। गैस म्यूजिक आपका यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपकी सिंगुलर ही वर्ब होनी चाहिए थी। अब गैस यहाँ या तो हम इसको करेंगे एस ओ ओ टी एच ई एस सिंगुलर बनाएंगे, या फिर आप इसको पास्ट बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हालांकि एंड के बाद भी यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ही दिया गया है, तो गैस यहाँ पर भी हम लोग इसको प्रेजेंट ही बनाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग मजबूरन अब सूत्र लगाना पड़ेगा म्यूजिक को देखते हुए, आपका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, कह रहे कि एट वन टाइम द लॉग इंडस्ट्री हेयर फ्लोरिस्ड एंड लॉग्स वॉज एक्सपोर्टेड। सो गैस यहाँ पर लॉग्स प्लूरल है, इसको देखते हुए यहाँ पर वॉज नहीं आपका वर होना चाहिए था, जो कहते की बात है, तो वॉज तो आपका आंसर नहीं होगा, इज आंसर नहीं हो सकता है, वर के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती है, तो आपका आंसर हो जाएगा केवल थर्ड करेक्ट। यस, आगे बढ़ेंगे सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पे। द ब्लिस ऑफ आवर स्लीपिंग कडल्ड अप अंडर अ वार्म एंड कोजी ब्लैंकेट इन जस्ट अदर वर्ल्डली। द ब्लिस ऑफ ओवर स्लीपिंग कडल्ड, अब गैस यहाँ पर ऑफ की बात उसने लगाया ओवर स्लीपिंग, अब देखना है क्या है, सही है या गलत है। गैस जो हमने आपको रूल बताया हुआ है वो रूल ये बोलता है कि प्रपोजिशन के बाद हमेशा जब भी कोई वर्ब आएगी तो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगी, यानी कि जिरंड यानी कि नाउन बनकर आएगी, और ये आईएनजी फॉर्म में ही है। अब ऑफ के बाद में फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती, ऐसे ईएस नहीं आ सकता है, ये भी नहीं आएगा सेकंड फॉर्म, तो गैस आपका आंसर यही करेक्ट है, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। विद टाइम नाउ अवेलेबल फॉर लाइजर माई फादर डिस्कवर, बच्चों फादर सिंगुलर हैं तो डिस्कवर नहीं, यहाँ पर डिस्कवर्स होना चाहिए था प्रेजेंट में, या फिर जब है नहीं डिस्कवर यहाँ पर तो आप हैज़ डिस्कवर्ड लगा सकते हैं। अब डिस्कवरिंग यानी कि आईएनजी फॉर्म भी विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी,
हैड के बाद थर्ड होम आया करता है, ये भी नहीं आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ सेकंड ही पूरी तरह से करेक्ट। आगे बढ़ेंगे गाइस यहाँ पर सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर 99 देखिए, कह रहा है कि द सन हाइड बिहाइंड अ क्लाउड एंड इट सीम्ड लाइक अ लाइट दैट हैव, बच्चों दैट आपका यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन आ रहा है वो सिंगुलर है, अ लाइट, उसको देखते हुए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए थी, हैव नहीं, यहाँ पर आपका हैज होना चाहिए था। सो गैस यहाँ हैज ऑप्शन में नहीं है कहीं भी, क्यों नहीं है, बिकॉज पीछे सेकंड फॉर्म आ रही है हाइड, ये सेकंड फॉर्म है आपकी हाइड की, यस। तो आप भी आगे सेंटेंस को पास्ट में बनाएंगे तो हैड आपका आ सकता है, हैड बीन स्विच्ड आपका ऑप्शन में है, यहाँ थर्ड फॉर्म नहीं है, ये रेस से बाहर हो गया, यहाँ पर हैव आ गया तो प्रेजेंट में हो जाएगा, रेस से बाहर हो गया है, आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट करेक्ट। अ सिंपल ग्लांस एट वंस गार्डन अपलिफ्टेड द रूट, अ सिंपल ग्लांस एट वंस गार्डन, गाइस यहाँ पर जो सब्जेक्ट है आपका वो ग्लांस है, सो गाइस पीछे आर्टिकल भी आ रहा है, मतलब ये सिंगुलर है, अब सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है तो समझो सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, यस। अब यहाँ सेंटेंस में क्या हम लोग इसको प्रेजेंट बना सकते हैं, बिल्कुल प्रेजेंट बनाना पड़ेगा बच्चों, अ सिंपल ग्लांस एट वंस गार्डन अपलिफ्ट द मूड, सो गाइस ये उसकी एक हैबिट को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ हम लोग सेंटेंस को प्रेजेंट बनाएंगे और सिंपल ग्लांस को देखते हुए यहाँ पर हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का इस्तेमाल करेंगे। डेटा ऑफ सीजर्स ऑफ टाइगर बॉडी पार्ट्स रिवील दैट ऑफ द 40 केसेस 5 वॉज रिपोर्टेड इनसाइड द रिजर्व, अब गैस यहाँ पर 14 केसेस में से 5 केसेस जो हैं रिपोर्टेड किए गए हैं, तो गैस 5 तो प्लूरल है आपका, 5 के साथ में वॉज नहीं आ सकता है, तो ये भी आपको रॉन्ग हुआ, ये भी आपको रॉन्ग हुआ, अब आपका मजबूरन आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। आई हैड बीन अ यूनिक केस ऑफ स्लो लर्निंग, आई हैड बीन अ यूनिक केस ऑफ स्लो लर्निंग, यानी कि मैं एक यूनिक केस ऑफ स्लो लर्निंग का, तो गाइस हैड बीन आपका आ रहा है सेंटेंस, यानी कि बन रहा है परफेक्ट में, अगर इसके बाद आईएनजी आ रही होती तो ये बनता आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस में, सो सेंटेंस ठीक है। आप सीख क्यों है बच्चों, देखो आई के साथ में हैज तो आने से रहा, एम आ सकता है लेकिन फिर बीन नहीं आएगा बिकॉज बी की फैमिली का वर्ड है आपका एम, हैड के साथ में आईएनजी नहीं आ सकती है तो मजबूरी भी बन जाती है आपके यहाँ पर आकर के कि आपको फोर्थ ऑप्शन लगाना है, यहाँ आप चाह करके भी कोई सेंटेंस नहीं लगा सकते थे अगर आपको एरर नज़र भी आ रही है तो। आगे कह रहा बच्चों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यू विल बीइंग सरप्राइज, ये भी रॉन्ग हुआ बच्चों आपको यहाँ पर, क्योंकि विल हमारा एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ हम कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं लगाया करते हैं, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, तो यू विल बी सरप्राइज्ड अब बी के साथ थर्ड फॉर्म आया करती है, ये इससे बाहर हो जाएगा, बी के साथ आईएनजी लगाएगा मतलब है कि सेंटेंस कंटिन्यूस हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूस, ये इससे बाहर हो जाएगा, आपका आंसर रहेगा सभी पहला ही करेक्ट। द डीजल इंजन रिप्लेस द स्टीम इंजन एंड ओल्ड फर्स्ट क्लास कोचेस इज रिप्लेस्ड बाय कुप्स इन अ कॉरिडोर एंड द ओल्ड फर्स्ट क्लास कोचेस, गैस कोचेस हमारा प्लूरल है और इस प्लूरल को देखते हैं यहाँ पर प्लूरल वर्ब आनी चाहिए थी, इज नहीं, यहाँ पर आपका आर होना चाहिए था। अब गैस यहाँ पर सेंटेंस बनना है पास्ट में क्योंकि पीछे रिप्लेस सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ पर पास्ट की वर्ब लगाएंगे, अब यहाँ पर आर भी नहीं, यहाँ पर आपका वर्ब होना चाहिए था, अब यहाँ पर वॉज आया है रेस से बाहर, यहाँ वर आया है रेस में शामिल, यहाँ वर के साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, ये रेस से बाहर, आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ सेकंड करेक्ट। वी कैप्ट असाइड आवर क्लोथ्स, क्लीन आवर हाइकिंग बूट्स एंड मेड श्योर वी हैड आवर थिक वुलन सॉक्स, वी कैप्ट असाइड आवर क्लोथ्स, यानी कि हमने अपने क्लोथ्स को साइड में रखा सेकंड फॉर्म में, क्लीन आवर हाइकिंग बूट्स एंड मेड, इस एंड के बाद में आपकी सेकंड फॉर्म आ रही है, इस सेंटेंस से पहले भी सेकंड फॉर्म आ रही है, यहाँ पर क्लीन की भी आप लोग सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, क्लीन करेंगे तब सेंटेंस करेक्ट होगा, सेंटेंस का आंसर हो जाएगा बच्चों पहला। आगे बढ़ेंगे गाइस यहाँ से, वन जीरो सिक्स देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है, इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, योर करेक्टर डिपेंड्स ऑन योर अपब्रिंगिंग, यानी कि आपका जो व्यवहार है डिपेंड करता है आपकी अपब्रिंगिंग पर, यानी कि आपके पालन पोषण पर, तो गैस अपब्रिंगिंग यानी कि पालन पोषण को बोलते हैं, या तो ब्रिंग अप लगाते हैं इसके लिए गैस, या फिर अपब्रिंगिंग यानी कि पहले भी आ सकता है
और ये बाद में आ सकता है। तो गैस यहाँ सेंटेंस अगर देखा जाए तो करेक्ट है, सेंटेंस में कोई भी गड़बड़ यहाँ पर नहीं है, आप इसको तोड़ नहीं सकते हैं, बस ध्यान रखें। इसका आंसर आपको हो जाएगा नो एरर, यानी कि नो इम्प्रूवमेंट। गैस ग्रामर को और मजबूत करने के लिए मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि हमारा ही एक अनदर चैनल जिस पर मैंने अभी कल परसों से वर्क करना शुरू किया, क्योंकि मुझे लगा कि बच्चों की ग्रामर बहुत ज़्यादा वीक है और यहाँ इस तरह सेंटेंस में हम लोग सेंटेंस को तो एक्सप्लेन कर देते हैं लेकिन उस रूल का बेसिक नहीं बता पाते हैं, क्योंकि फिर लंबी वीडियो हो जाती है। सो गैस इंग्लिश बाय जैन सर चैनल पर जाकर के आप लोग इंग्लिश की बहुत सारी ग्रामर रूल्स की वीडियो देख सकते हैं इंग्लिश बाय जैन सर पर, जो आपके डेफिनेटली काम आएंगी। तो इंग्लिश बाय जैन सर पर जाइएगा, यहाँ ग्रामर की बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, आप उनको देखिएगा, डेफिनेटली वीडियोज़ आपके काम आने वाली हैं। यस गैस, क्योंकि यहाँ पर रूल्स को ना केवल एक्सप्लेन किया गया है बच्चों, उसके बारे में एग्जाम्पल भी दिया गया है, उसका एडवांस लेवल बताया गया है, एग्जाम में उससे किस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये सब उसके बारे में बताया गया है। यस माई डॉटर इज लविंग ग्लूकोज बिस्किट। तो गैस यहाँ पर एक हैबिट की बात हो रही है कि मेरी बेटी को ग्लूकोज बिस्किट पसंद है, तो यहाँ पर हैबिट को शो करने के लिए हम लोग इज लविंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, माई डॉटर लव्स। जब हैबिट की बात हो हम सेंटेंस को बनाया करते हैं प्रेजेंट इनडेफिनिट, माई डॉटर लव्स ग्लूकोज बिस्किट। तो गैस यहाँ पर आंसर हो जाएगा थर्ड, पूरी तरह से करेक्ट। We had a horseshoe shaped platform made of clay, but it was destroyed by the rains. We had a horseshoe shaped platform. तो गैस कह रहे हैं कि हमारे पास है, अब गैस यहाँ पे अगर देखूँ आगे वाला हिस्सा तो आगे वाला हिस्सा हमारा पास्ट बनना है, यानी कि ये ब्रैकेटेड पार्ट भी हमारा पास्ट पे ही बनना चाहिए, और गैस ब्रैकेटेड पार्ट हमारा पास्ट में ही दिया गया है। अगर मैं यहाँ पर हैव लगाता हूँ तो ये प्रेजेंट में हो जाएगा, हैज़ आपका आने से था बिकॉज वी के साथ में प्लूरल आया करती है, यहाँ पर भी हैज़ आया हुआ ये भी नहीं आ सकता है बच्चों, मजबूरन आपका आंसर हो जाएगा इसका नो इम्प्रूवमेंट। माई ब्रदर एंड आई वुड इन्जॉय चेसिंग द बटरफ्लाइज एमिडिट और ओवन सिंपल इनकॉन्सियस गेम्स। माई ब्रदर एंड आई, यानी कि मेरा भाई और मैं, वुड इन्जॉय चेसिंग द बटरफ्लाइज। सो गैस यहाँ इन्जॉय आपका एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद हमेशा जीरंड यानी कि आईएनजी फॉर्म का ही यूज़ हुआ करता है, सो गैस उसने यूज़ किया भी है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, ना केवल इन्जॉय, इन्जॉय, डिनाई, अवॉइड, इनके बाद हम लोग आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल क्या करते हैं। तो गैस यहाँ जो कि आया हुआ है यानी कि सेंटेंस भी हमारा हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। ओवर द लास्ट फाइव फ्यू वीक्स आई हैज़ बीन, जी नहीं आई के साथ हैज़ कभी नहीं आया करता है, तो ये आपको रॉन्ग तो होगा ही होगा। आई हैव बीन करेक्ट है, आई के साथ वोज लगाएंगे तो बीन नहीं आ सकता है क्योंकि दोनों सेम फैमिली के वर्ड हो जाएंगे। आई हैव बीइंग हैव के साथ आई एन जी फॉर्म नहीं आया करती, थर्ड फॉर्म आया करती है, तो आपकी मजबूरी भी बन रही है और रूल भी है कि पहले ही आंसर आप इसका लगाएंगे। आई क्लोज द विंडो जस्ट इन टाइम एंड रिटर्न। अब गैस यहाँ एंड से पहले अगर आप देख रहे हैं तो आ रही है सेकेंड फॉर्म, तो सिंपल है कि एंड के बाद भी आपके आने चाहिए सेकेंड फॉर्म ही, जहाँ पर रिटर्न नहीं, आपका रिटर्नड होना चाहिए था, तब जाके सेंटेंस हमारा करेक्ट रहता। तो गैस सेंटेंस में आपका आंसर हो जाएगा रिटर्न सेकंड। ओके गैस, साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि किरण इंग्लिश 16800 से आपको कॉमन एरर का जो कॉमन एरर पोर्शन है और सेंटेंस इंप्रूवमेंट का भी कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा, जिसके लिए आपको 75 रुपीज़ पे करने होंगे एक प्ले लिस्ट के यानी कॉमन एरर के, क्योंकि सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा है इसके अंदर और सेंटेंस थोड़ा लेंथी भी है इस बार, और अच्छे एडवांस सेंटेंस दिए गए हैं, करने के बाद आपको लगेगा कि हाँ ग्रामर का लेवल इंप्रूव हुआ है। तो ये पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा गाइस, अगर किसी को बाय करना हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर मैसेज करके ले सकता है। ओवर बॉडीज विजडम नो व्हाट इज़ बेस्ट फॉर अस। ओवर बॉडीज विजडम, बच्चों विजडम यहाँ पर सिंगुलर की तरह इस्तेमाल हो रहा है, तो इसके साथ सिंगुलर ही वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, नो का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए यहाँ पर गाइस, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब नोज़ का इस्तेमाल होना चाहिए था, सब सेंटेंस हमारा करेक्ट होता, यानी कि सेंटेंस में अगर देखा जाए तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस यहाँ पर जो कि दिया गया है ऑप्शन में। यस सो गैस फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट इसका पूरी तरह से। यस आगे बढ़ते हैं गैस, सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्या कर रहे हैं यहाँ पर, चमको गैस यहाँ पर थोड़ा सा ये रहा, कह रहा है कि द ह्यूमैनिटीज एंड द आर्ट। गैस दो नाउन एंड से कनेक्टेड हैं जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, दो नाउन को एंड से जोड़ा गया है और दोनों ही प्लूरल हैं,
तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी हमारी प्लूरल होनी चाहिए थी, यानी कि हैव होनी चाहिए थी, जो कि यहाँ पर नहीं दी गई है। हैज आपका नहीं आएगा, हैव पहले ऑप्शन में है, दूसरे में दिया गया है लेकिन हैव के साथ बींग यानी कि एनजी फॉर्म नहीं आया करती है। तीसरे में दिया गया है ये भी सही है लेकिन बी के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं आया करती, या तो एनजी या थर्ड फॉर्म आया करती, ये भी रॉन्ग है। तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर पहला ही करेक्ट। द वर्ल्ड वी इज लिविंग इन इज स्ट्रेट आउट ऑफ अ डिस्टोपियन। सो गाइस यहाँ पर देख रहे हैं कि वी के साथ में इज लगा रहा है जो कि रॉन्ग है। वी के साथ में आपका आ रहना चाहिए क्योंकि भी आपका प्लूरल की तरह इस्तेमाल होता है। अब ऑप्शन पे अगर मैं चलूँ तो यहाँ पे वर्ड वो दिया गया जो कि रेस से बाहर हो जाएगा। अगर मैं दूसरा ऑप्शन लगाता हूँ आर, उसके बाद एनजी फॉर्म नहीं दी गई, ये रेस से बाहर हो जाएगा। तो आपका मजबूर आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर थर्ड पूरी तरह से करेक्ट। ही बिगिन टू आस्क अबाउट हिज एनिमीज हु हैड बीन हंटिंग हिम। तो गाइस ही बिगेन हमारी सेकेंड फॉर्म है और सेकेंड फॉर्म को देखते हुए सेंटेंस पास्ट बनेगा, तो जो कि आ रहा है सही है। हेड के बाद बीन थर्ड फॉर्म आया करती वो भी ठीक है, बी के बाद जो तो एन जी थर्ड फॉर्म आया करती वो भी ठीक है। तो सेंटेंस में कोई एरर किसी प्रकार की नहीं है, ये सेंटेंस हुआ हमारा नो इम्प्रूवमेंट। आगे देखिए कह रहा है कि दे विल कम इफ यू विल इन्वाइट दैम। बच्चों यहाँ एक बड़ी एरर दी गई है क्योंकि सेंटेंस में आपका आया इफ, और सेंटेंस में इफ आने की वजह से ही हो गया हमारा कंडीशनल। गाइस कंडीशनल सेंटेंस क्या बोलता है मैं आपको बता दूँ। कंडीशनल सेंटेंस का रूल है कि सेंटेंस कभी भी डबल फ्यूचर हमारा नहीं बन सकता है। यस सेंटेंस में डबल फ्यूचर नहीं बनेगा, यानी कि दो मॉडल वो एक साथ नहीं आ सकती। अब यहाँ भी ला रहा है और यहाँ भी ला जाए, ऐसा नहीं होगा। या तो ये गलत है या ये गलत है। हालांकि आपको ये ब्लैकिश किया गया है पार्ट, तो इसका मतलब आपको इसी पार्ट में गलती निकालनी है। और वैसे भी मैंने आपको बताया हुआ है इफ़ जैसे 11 वर्ड कि अगर डबल मॉडल वर्ब तो हमेशा इनके बाद वाली ही मॉडल वर्ब गलत होगी। इफ़ अनलेस अनटिल इन केस प्रोवाइडेड एज लॉन्ग एज सो लॉन्ग एज व्हेन बिफोर आफ्टर वेदर, ये 11 वर्ड हैं जिनके बाद आपकी मॉडल वर्ब नहीं आया करती है। तो यहाँ पर इफ़ यू इन्वाइट दैम देन सिंपल सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, पहला आंसर हो जाएगा करेक्ट। ही शुड नॉट हैव कैरी, बिल्कुल रॉन्ग हो गया बच्चों यहाँ पर, क्योंकि शुड आपकी मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म आया करती है जो कि आई हुई है। हैज के साथ थर्ड फॉर्म आया करती है जो कि नहीं आया करती है। गाइस गाइस यहाँ पर कैरी नहीं, आपका कैरीड होना चाहिए था। ही शुड नॉट हैव कैरीड जो कि आपके पहले ऑप्शन में दिया गया है, तो सेंटेंस जाके हमारा करेक्ट होगा। 117 का पहला ही आंसर हो जाए बच्चों आपका करेक्ट। शी प्लेस्ड अ पोर्कलेन वेस विद अ जेंटल मैनर। बच्चों यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सेंटेंस में ब्लैकिश पार्ट में आए हुए वर्ड्स की। विद अ जेंटल मैनर गैस यहाँ पर मैनर यानी कि तमीज़, उसका काम करने का तरीका। तो गैस ये आपका एक एज ए एडजेक्टिव यहाँ पर काम कर रहा है, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने का काम करता है गैस एडवर्ब। अब यहाँ पर जेंटल आपका एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो अच्छा हुआ कि आप इसे एडवर्ब बनाएंगे और ये हो जाएगा आपका जेंटली। यस सर ये हट जाएगा जेंटली, आपका पहला ही आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर करेक्ट। द टाइटैनिक वॉज कंसिडर्ड एज सेफ दैट, जी नहीं गैस जब उसने एज सेफ का इस्तेमाल किया है तो यहाँ पर आप लोग पूरा ही सेंटेंस को बनाएंगे। या तो गैस इसको बनाएं आप एज सेफ एज, या फिर एज हटा करके यहाँ पर लगाएं सो सेफ दैट, या फिर ये लगाएं, या तो एज इकट्ठा चलता है या सो दैट इकट्ठा चलता है। हालांकि यहाँ पर दैट लगाने में फ़ायदा है क्योंकि आगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब दी गई है। अगर एज आएगा तो आगे सेंटेंस नहीं आ सकता है पूरा, यानी कि एक ऐसा वर्ड नहीं आ सकता इसके बाद वर्ब भी हो, जबकि यहाँ वर्ब भी आ रही है आपकी, तो इसका मतलब इसे पूरा सेंटेंस है। और सेंटेंस को क्वालिफाई करने के लिए आएगा आपका सो दैट, क्या आएगा आपका सो दैट। तो गैस आपकी यहाँ पर फिर से एक मजबूरी बनती है कि आपको सो दैट लगाना होगा। यस गैस तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर पहला करेक्ट, फोर्थ करेक्ट। आगे देखते हैं गाइस यहाँ पर क्या कह रहा है सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट में मैं चल रहा हूँ, तो गाइस 120 कह रहा है कि वी सो सम फार्मर्स टू टिल देयर फील्ड। हमने देखा कुछ फार्मर्स को जो टिल कर रहे थे अपने खेतों को। तो गाइस टिल एक वर्ड है जो जुताई के काम आता है, बच्चों जुताई के मीनिंग के लिए आया करता है काम। यस तो यहाँ पर बच्चों उसका नाम है टिलिंग। दूसरी बात बच्चों रूल ये है कि सी के साथ जब भी कोई दूसरी वर्ब आएगी तो वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगी, हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगी। जिसकी मैं कहूँ कि आई सॉ
him dancing, मैंने उसे नाचते हुए देखा. उसी तरह से we saw some farmer, to till नहीं, tilling their fields. So guys, tilling their fields आपका second option में ही है और यही आपका होगा answer. So guys, यहाँ मैंने इस वीडियो में आपके अगले 30 सेंटेंस करा दिए हैं. 30 सेंटेंस हम लोग हर वीडियो में करा रहे हैं जो कि इनफ है शायद. सो गैस आज की इस वीडियो में इतना ही. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ में. तब तक के लिए बाय बाय. हैव अ नाइस डे.